हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज एक्सरसाइज 2.1 में हम पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट आपके पास होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, और उसका मैंने सामने क्वेश्चन लिखा है, तो इस पे हम डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। अब जस्ट सिंपली आपके पास ये क्वेश्चन है, आपने इसमें क्या करना है, ए बी सी जो आपके पास होता है आपने उसको लिख लेना है, उसकी वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी आप सिंपली लिखते हैं उनकी वैल्यू, जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो जस्ट आपने वो वैल्यूज़ लिखनी है, उसके बाद आपने बी स्क्वेयर माइनस 4ac में आपने पुट करना है इन वैल्यूज़ को, और यहाँ पे जैसे बी की वैल्यू पुट कर दी और ए और सी की हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब जस्ट सिंपली हम इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 और 4 2 द 8 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करने से जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इसका निकल आएगा। इसी तरह से हम इसकी कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। अब ये क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया मैंने, अब इसको भी सेम इसी प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू जो है वो लिख देंगे। अब एक्स स्क्वेयर के साथ कुछ नहीं है तो कांस्टेंट 1 है, बी की वैल्यू -3 है एक्स के साथ वाली, और सी आपके पास जो कांस्टेंट है वो 3 आ गया। अब सिमिलरली आपने क्या है, डिस्क्रिमिनेंट लिखना है जो बी स्क्वेयर माइनस 4ac होता है। अब इसके अंदर जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है, बी की जगह बी की वैल्यू -4 और ए की जगह 1 और सी की जगह सी की वैल्यू 3। अब सिंपली हमने इसको बस सॉल्व करना है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 3 द 12, और ये आपके पास आंसर -3 आ गया। अब यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है, हम उनको यहीं पे प्रैक्टिस कर लेंगे। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट हमने लिख लिया। अब ए बी सी की वैल्यू हमने लिख ली, a 2 है, b 3 है और सी आपके पास -1 है। अब जस्ट सिंपली आपने क्या करना है, इस डिस्क्रिमिनेंट में आपने ए बी सी की वैल्यूज पुट करनी है और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 4 टू द 8, और 9 और 8 आपके पास हो जाएंगे 17। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, इसमें भी हम इसी तरह ए बी सी की वैल्यू पहले लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसमें जस्ट हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। सी की जगह 3, अब 8 का स्क्वायर आपके पास होता है 64, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आंसर आपका आ गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से -8। क्वेश्चन नंबर 5, अब मल्टीपल क्वेश्चन एक ही चीज़ के अटेम्प्ट करने का मकसद ये होता है आपकी प्रैक्टिस हो जाए। डिफरेंट क्वेश्चन को जब आप करते हैं तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और आपको वो चीज़ भूलती नहीं है। अब यहाँ पे ABC की हमने वैल्यू लिख ली। अब सेम वही डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब इसमें जैसे हम वैल्यूज को पुट करते जाएंगे, 4 ए की जगह 9 और सी की जगह 25। आप 30 का स्क्वायर आपके पास होता है 900, 900। आप ये मल्टीप्लाई करके भी हमारे पास 900 बनेगा, तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले वही हम ए बी सी की वैल्यू लिख लेंगे। अब
अब उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखेंगे, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, बी की जगह माइनस सेवन पुट करेंगे और उसका स्क्वेयर माइनस फोर इंटू ए की जगह फोर और सी की जगह माइनस टू। अब सेवन का स्क्वेयर आपके पास 49 और ये फोर को फोर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस टू के साथ तो प्लस 32, और इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास आंसर आ गया 81।